गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे क्लास 6 चैप्टर फूड। ओके, इन प्रीवियस लेक्चर वी डिस्कस ऑल थ्योरेटिकल एस्पेक्ट एंड सम इंटेक्स्ट एक्सरसाइज। नाउ इन दिस लेक्चर वी डिस्कस इवेलुएट एंड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन एंड सम वर्ड मीनिंग। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट आंसर। ओके, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिसे कहते हैं, जिसमें हमें एक क्वेश्चन के चार ऑप्शन मिलेंगे, उस चारों में से कोई एक आंसर क्या रहेगा, सही रहेगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज हर्बीवोरस, मतलब ऐसा कौन सा इन सब चारों ऑप्शन में से कौन सा है जो हर्बीवोर है, मतलब कि हर्बीवोर का मतलब क्या था, शाकाहारी। ठीक है, जो पेड़ पौधे खाते हों, पत्तियां खाते हों, लीव्स खाते हों। तो पहला ऑप्शन है मैन, एलिफेंट, फ्रॉग एंड स्पैरो। तो इसका आंसर क्या होगा, एलिफेंट। एलिफेंट क्या होते हैं, बस पेड़ पौधे पत्तियां खाते हैं। मैन क्या होते हैं, ओमनिवोरस होते हैं। फ्रॉग्स क्या होते हैं, ये भी कुछ किस में आते हैं, कार्निवोरस में आते हैं, कीट उट खाते हैं। और स्पैरो क्या होते हैं, ये भी ओमनिवोरस होते हैं, बीज भी खाते हैं और कीड़े मकोड़े भी खाते हैं। फिर नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स, ठीक है, इनमें से क्या है जो एनिमल से हमें ऑब्टेन होता है। तो हनी है, पिजन पी है, चिकन पीज है, एलेंटीन है। तो इसमें आंसर क्या होगा, हनी। हनी कहाँ से मिलता है हमें, हनी बी से प्राप्त होता है। बाकी चिकन पीज, पिजन पी और एलेंटीन, ये सब क्या है, एक तरह से सीड्स हैं, जो कहाँ से मिलते हैं, पेड़ों से मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ दिस ईट फूड डाइजेस्टेड बाई अदर एनिमल्स, इनमें से कौन सा ऐसा फूड है जो अदर एनिमल द्वारा डाइजेस्टेड किया जाता है, मतलब अदर एनिमल डाइजेस्ट करते हैं अदर फूड को। ठीक है, तो काउ, टाइगर्स, स्नेल, ग्रास। तो ग्रास तो होगा नहीं, ये तो हर्बी, ये क्या आते हैं, ये प्लांट्स होते हैं, ऑटोट्रॉप्स हैं। काउ पत्तियां खाते हैं, स्नेल ये भी नहीं। टाइगर, टाइगर क्या होते हैं, अदर एनिमल्स को खाते हैं, बताया था, जो क्या होते हैं, कार्निवोरस होते हैं। विच आर दिस फूड इंटीग्रेंट डू वी नॉट गेट फ्रॉम आइदर प्लांट और एनिमल, ठीक है, ऐसा कौन सा फूड इंटीग्रेंट है जो हमें प्लांट और एनिमल से प्राप्त नहीं होता है, या कह सकते हो वो कौन सा भोजन पदार्थ है जो हमें ना ही प्लांट से प्राप्त होता है ना ही एनिमल से। तो वीट, वीट तो प्लांट से प्राप्त होता है। सुगर, गन्ना, गन्ना कहाँ से आता है, प्लांट से आता है। कर्ड, दही, दही कहाँ से आती है, एनिमल, लैक्टोबेसिस से, ठीक है, बैक्टीरिया से। और साल्ट, नमक हमें कहाँ से मिलता है, सी से, इसलिए डी वाला ऑप्शन करेक्ट। विच टर्म इन द फॉलोइंग इंक्लूड द अदर थ्री, ऐसा कौन सा टर्म है इन चारों में से जो अदर तीनों को इंक्लूड कर ले। तो ड्रैगन फ्लाई, स्नैक, लायन और कार्निवरस। तो ड्रैगन फ्लाई भी क्या होता है, मांसाहारी, मतलब कि कार्निवरस होते हैं। स्नैक भी कार्निवरस होते हैं, लायन भी कार्निवरस होते हैं। तो ये सब किस में आ गए, कार्निवरस में। तो इसका आंसर क्या होगा, कार्निवोर। ठीक है, नेक्स्ट है फिफ्थ, द फॉलोइंग ऑफ द प्लांट एक्स आर इटन एज अ वेजिटेबल वेर इट इज फ्रूट इज ए न्यूट्रिशियस फूड, गेस द नेम ऑफ द प्लांट, एक ऐसे प्लांट के प्रोडक्ट का या फ्लावर का नाम बताना है जिसको हम फ्लावर को एज ए यूज करते हैं फूड की तरह भी, और जब वो फूड पक जाता है या यूज बड़ा हो जाता है भी कर लें तो उसको हम न्यूट्रिशन फूड की तरह भी यूज करते हैं। तो इसका क्या होगा, बनाना। बनाना क्या होता है, इसे हम सब्जियां भी बनाते हैं और इसको हम क्या करते हैं, न्यूट्रिशियस फूड की तरह भी यूज करते हैं। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा, बनाना। ठीक है, अब आते हैं सम वर्ड मीनिंग्स पे। ठीक है, वर्ड मीनिंग में पहला है वर्ड मीनिंग एनर्जी। एनर्जी का हिंदी क्या होगा, ऊर्जा या शक्ति। अगला क्या है, ओरिजिन। ओरिजिन की हिंदी क्या होगी, उत्पत्ति या स्रोत। अगला है ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स का क्या होगा, स्वपोषक, मतलब जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं। न्यूट्रिशियस, न्यूट्रिशियस का मतलब पौष्टिक, जो इसमें पोषण की मात्रा ज़्यादा, जिसमें न्यूट्रिशन मतलब कि विटामिन ये सब की मात्रा ज़्यादा हो। वाइग्रसली, वाइग्रसली का मतलब शक्तिपूर्वक, क्या हो, चिविंग मतलब चबाना या जुगल करना। डाइवर्स मतलब विविध या अनेक प्रकार। डिपेंडेंट या का होता है निर्भर। ठीक है, ग्राइंडिंग, ग्राइंडिंग का मतलब पिसाई। असॉर्टमेंट, असॉर्टमेंट मतलब वर्गीकरण। क्रिएचर्स मीन्स जंतु। ठीक है, तो ये आपको अपने नोटबुक में अच्छे से लिखना है, और जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर थे उसको भी आपको हम अपने नोटबुक में लिख के ग्रुप में इवनिंग टाइम तक सेंड करेंगे। ओके, ठीक है, थैंक यू, हैव नाइस डे।